हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमाज़ कुकिंग जोन। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही पौष्टिक तो है ही और देखने में बहुत सुंदर लगता है, और मैं इसे बनाऊंगी बहुत ही कम घी डाल करके, जिससे कि ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो मैंने अभी इसमें 1 चम्मच घी डाला हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1/4 कटोरी मैंने गोंद ली हुई है, इसको मैं इसमें भूनूंगी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसको इसमें डालूंगी। अब मैं इसको डाल के भून लेती हूँ। इसमें इस रेसिपी में ना चाशनी बनाना है, ना दूध डालना है और ना ही कोई मावे की ज़रूरत है। और ये लड्डू मैं बनाऊंगी बहुत ही खास तरीके से, जिससे कि सभी को बहुत पसंद आएगा और सर्दियों में तो ये खास तौर से बहुत ही पौष्टिक बनेगा और सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, भून करके अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। जब सभी अच्छे तरीके से फूट जाएंगे तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। गोंद तो आप जानते ही हैं कितना फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में खास तौर से इसे किसी भी रेसिपी में डाला जाए तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो बस इसको भून करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए बढ़िया भून गया है। अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी सेम कढ़ाई में मैं कुछ नट्स भून लेती हूँ। ये देखिए मैंने मिले जुले नट्स लिए हुए हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, इसको मैं इसमें भून ले रही हूँ। इसको मैंने कट कर लिया है छोटे पीसेस में, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किया है मैंने। इसको भी इसी में भून लूँगी। मैंने घी और नहीं डाला है, बस उसी घी में जो बचा था कढ़ाई में लगा हुआ था उसी में मैं इसको भून रही हूँ। हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे इसी में। बस 1 मिनट भूनने के बाद में इसको निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। अब इसी सेम कढ़ाई में मैं ये 1/4 कटोरी आटा ले रही हूँ, गेहूं का आटा, उसको भी मैं ऐसे भून लूँगी। घी इसमें बिल्कुल नहीं है, बस जो भूनने के बाद जो थोड़ा लगा हुआ है, जो मैंने नट्स भूना था वो जो लगा हुआ है बस वही घी है, अभी कुछ नहीं। अब इसको ऐसे भून लेंगे आटा को। तो मैं बना रही हूँ सत्तू का लड्डू, उसे मैं थोड़ा सा आटा भी यूज़ कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप आटा डालें, ना तो पूरा सत्तू का ही बनाएं। तो मैं इसको भून लेती हूँ, धीमे आंच पे ही इसको भूनना है। थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो जाएगा, तब समझेंगे कि थोड़ा सा भुन गया है। तब तक इसको भूनते रहेंगे हल्की आँच पर। ज़्यादा मेजरमेंट मैं इसी कटोरी से कर रही हूँ, आप भी घर का कोई कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से आप इसको मेज़र करें। आटा मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आटा का भी कलर चेंज हो गया और भीनी भीनी इसमें खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसमें सत्तू डालती हूँ। ये मैंने सत्तू छान लिया है, 3 कटोरी मैंने सत्तू लिया है, जो कटोरी मैंने आपको दिखाया था उसी कटोरी से मैंने इसको मेज़र किया हुआ है। वैसे तो सत्तू भुना हुआ ही रहता है, लेकिन फिर भी इसके साथ में भून लेंगे। अब मैंने ये आधा कटोरी घी लिया हुआ है, तो पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, अभी मैं इसमें 4-5 चम्मच घी डालूंगी। घी के साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। बस अब इसको भून लेते हैं। जो बचा हुआ ये घी है इसको अभी साइड में रख देते हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब जो कटोरी में बचा हुआ घी है ना, इसको डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, इकट्ठा एक साथ नहीं डालना है, बस इस तरह से डालते जाएंगे और फिर भूनते जाएंगे इसको। इस तरीके से सत्तू को भून लेंगे इसमें, जिससे कि घी की खुशबू भी इसमें अच्छी से आने लग जाए। पूरा घी मैं इसमें डाल देती हूँ, जितने बचे हुए घी हैं। तो अभी मैंने इसमें 1/2 कप घी डाला हुआ है। घी में भूनते हुए मेरे को 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें और मिलाती हूँ। 1/4 कटोरी मैं इसमें नारियल डालती हूँ, नारियल का चूरा है। 1/4 कटोरी मैं इसमें मिल्क पाउडर डालती हूँ, मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसको इसी मिक्स कर लेंगे। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसमें ये 2 कटोरी पीसी हुई चीनी डालूंगी, जिस कटोरी से मैंने मेज़र किया है, सब बताया है ना मैंने पहले आपको, उसी से मैंने मेज़र किया हुआ है। इसको गर्म में ही अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि क्या है, जितना इसको पसीजना होगा पसीज जाएगा, फिर लड्डू बनाने में आसानी होगी। इसी में मैं नट्स मिला देती हूँ, जो मैंने पहले कट करके रखा था भून करके, उसको भी इसी मिला दे रही हूँ। इसको मैं पीस लेती हूँ, ठंडा हो गया है ये। अब जो मैंने गोंद को पीसा है उसको भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी लड्डू की। 1.5 चम्मच इलायची पाउडर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ, इसको खोल के देख लेती हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके पहले लेकिन क्या है, इसको मैं एक परात में पलट देती हूँ।
अब मैंने हाथों से ही मसल लेती हूँ, जिससे कि जो चीनी के गट्ठी बन गए होंगे वो खुल जाएंगे पूरे, और सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इसमें जो मैंने गोंद डाला है, नट्स डाला है, इसकी वजह से आप सर्दियों में भी सत्तू के लड्डू को बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक होगा ये, बच्चों को इस तरह से बनाकर देगी दीजिए, बहुत पसंद आएगा। बच्चे अगर घर से बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आप इन्हें जरूर बना करके दीजिए, बहुत पौष्टिक होगा ये, उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आप इसमें मिठास अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको बांधने के लिए मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी, आधा कप घी मैंने पहले डाला था, इसमें आधा कप घी और डालती हूँ इसको बांधने के लिए। घी इसमें उतना ही डालें जितना कि आसानी से बन जाए। आपको लगता है कि अगर बांधने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो घी आप और डाल सकते हैं, वैसे 1 कप घी इतनी क्वांटिटी में पर्याप्त है। अच्छे से इसका देखिए लड्डू बन जाएगा। अब इसका लड्डू बना लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार हो रहा है। इसी का आप चाहे तो लड्डू बनाइए, या फिर बर्फी बनाइए, या फिर पेड़ा बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हैं। इसका साइज अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं सब बना करके रख लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, किसी त्योहार पे बना सकते हैं, घर में बनाइए, सबको खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, कोई गेस्ट आए तो उनको खिलाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और जो पूछेंगे कि आपने किस चीज़ से बनाया है ये, कोई जान नहीं पाएगा कि इसे आपने सत्तू से बनाया हुआ है। इसे मैंने इतने पौष्टिक तरीके से बताया है कि आप इसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा बनाने के लिए, फटाफट आप इसे देखते ही बनाएंगे। तो यह हाई प्रोटीन लड्डू तैयार है। ये देखिए ऊपर से आप इसमें चीनी डस्ट करिए, या फिर चीनी का बूरा आप इसमें लपेट सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो देखा आपने, हाई प्रोटीन सुपर इजी लड्डू बन करके तैयार है। आप इसे किसी को भी खिलाइए, आपकी तारीफ किए बिना तो रहेगा नहीं। तो आप इसे घर में जरूर बनाइए और अपने प्यार प्यार कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।